भोला है, भुलक्कड़ नहीं है। वो ये नहीं भूला कि एक साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। सर, सुना आपने, राघव चड्ढा ने किसानों का मुद्दा भी राज्यसभा में उठाया। उन्होंने जो किसानों ने आंदोलन किया था एक साल खुले आसमान के नीचे बैठे थे, उनकी भी बात करी। और जो डेली के 30 किसानों की मौत हो रही है, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, उनका भी मुद्दा उठाया। और जो किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, उनकी भी बात करी। राघव चड्ढा ने कहा कि किसान भोला है लेकिन भुलक्कड़ नहीं है, वो भूलता नहीं है कि, लेकिन भोला जरूर है, उन्होंने ये भी बात करी। आइए आपको पूरी वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद आपको के क्या विचार हो कमेंट्स करके हमें अवश्य बताना। और सर, किसानों के बारे में मैं एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा है सरकार ने किया था कि हम बढ़ाएंगे और दुगनी करेंगे। आय दुगनी करना तो छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट बताती है कि 4 से ज्यादा राज्यों में आय बढ़ाना तो दूर, 30% किसानों की आय घट गई। सर, किसानों का संकट। सर, मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन इन लोगों ने माफ कर दिए, लेकिन भारत देश के किसान की जो कर्जा था, जो डेट था, वो पिछले 8 सालों में 53% बढ़ा है। कम नहीं हुआ सर, 53% इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते आज एवरेज फार्मर डेट, पर फार्मर डेट इस देश की 74,000 रुपए, यानी कि 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है। सर, अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए, उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर ये सरकार। सर, आज हमारा देश का अन्नदाता, देश का किसान, जो हमारा पेट भरता है, जो हमें खाना देता है सर, आज वो जहर खाने को मजबूर हो गया है। NCRB का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी। यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है। 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एंड 30 फार्मर्स पर डे इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड। सर, मैं अपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि किसान भोला है, भुलक्कड़ नहीं है। वो ये नहीं भूला कि एक साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। सर, और सर, किसानों के बारे में मैं एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा है सरकार ने किया था कि हम बढ़ाएंगे और दुगनी करेंगे। आय दुगनी करना तो छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट बताती है कि 4 से ज्यादा राज्यों में आय बढ़ाना तो दूर, 30% किसानों की आय घट गई। सर, बढ़ाना तो दूर की बात, आय किसान की घटाने का काम इन लोगों ने किया। और एक ऐसे दौर में जब भारत की रूरल इन्फ्लेशन भारत की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि गांव में रहना महंगा है शहरों के मुकाबले।